मेलेना की कहानी इटली के एक छोटे से गांव में 1940 के टाइम पर सेट है, जब वर्ल्ड वॉर दूसरा चल रहा था। इटली में उस वक्त डिक्टेटरशिप का जमाना था और सब जगह जंग का असर दिख रहा था। गांव का माहौल बहुत ही ट्रेडिशनल और कंजर्वेटिव था, जहां लोग दूसरों की जिंदगी में ज्यादा दखल देना पसंद करते थे और जल्दी से किसी को भी जज करना आम बात थी। मेलेना एक जवान और बहुत ही खूबसूरत औरत है जो सबका ध्यान अपनी तरफ खींचती है। उसका पति नीनो जंग में लड़ रहा होता है और मेलेना गांव में अकेली रहती है। उसकी खूबसूरती की वजह से गांव के मर्द उस पर फिदा होते हैं, जबकि औरतें उससे जलन करती हैं। ये सब कुछ मेलेना की जिंदगी और मुश्किल बना देता है, क्योंकि लोग उसके बारे में गलत बातें फैलाते हैं बिना उसकी असली जिंदगी को समझे। रेनाटो एक 13 साल का लड़का है जो अपने बचपने के इनोसेंस के साथ मेलेना को देखने लगता है। जब वो पहली बार मेलेना को देखता है तो उसके दिल में एक अजीब सी फीलिंग जागती है। मेलेना उसके लिए सिर्फ एक खूबसूरत औरत नहीं रहती, बल्कि एक सपने की तरह बन जाती है। रेनाटो हर दिन मेलेना को दूर से देखता है और उसे देखना उसका रूटीन बन जाता है। ये फैसिनेशन जल्दी से एक ऑब्सेशन में बदल जाता है, लेकिन रेनाटो अपनी फीलिंग्स को सिर्फ अपने अंदर ही रखता है। गांव के लोग मेलेना के खिलाफ हमेशा इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। जब नीनो जंग में होता है तो लोग मेलेना के बारे में अफवाहें फैलाते हैं कि वो दूसरे आदमियों के साथ रिलेशन में है, जबकि ये सब झूठ होता है। लोग उसको गलत नज़र से देखते हैं और उसकी ज़िंदगी को और भी मुश्किल बना देते हैं। सोसाइटी मेलेना को सिर्फ उसकी खूबसूरती के रूप में जज करती है, उसकी असली फीलिंग्स और स्ट्रगल्स को समझने की कोशिश कोई नहीं करता। रेनाटो के लिए मेलेना एक फैंटेसी बन जाती है। वो हमेशा उसका पीछा करता है, उसे देखते हुए सपने देखता है और उसके लिए मन में एक अलग ही दुनिया बनाता है। ये प्यार उसके लिए एक तरह का इनोसेंट ऑब्सेशन बन जाता है। रेनाटो की आंखों में मेलेना एक परी जैसी है, लेकिन वो समझता नहीं कि मेलेना की असली ज़िंदगी कितनी तकलीफ से भरी हुई है। जंग के दौरान मेलेना का स्ट्रगल्स और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। जब उसके पति नीनो के मरने की गलत खबरें आती हैं और मेलेना बिल्कुल अकेली हो जाती है, गांव के लोगों से और ज़्यादा दूर कर देते हैं और उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत ख़राब हो जाती है। अपने सर्वाइवल के लिए उसे अपनी इज्जत को दाव पर लगाना पड़ता है और वो और भी ज़्यादा लोगों की निंदा का शिकार बनती है। उसकी ज़िंदगी दर्द और अकेलेपन से भरी होती है। रेनाटो धीरे धीरे समझने लगता है कि मेलेना की ज़िंदगी सिर्फ एक खूबसूरत औरत की नहीं, बल्कि एक इंसान की है जो बहुत ही दर्द से गुजर रही है। उसके लिए ये एक मोमेंट होता है जहां वो अपने बचपने की फैंटेसीज से भर आता है। मेलेना की ज़िंदगी के असली स्ट्रगल्स देखकर रेनाटो को ये रियलाइजेशन होता है कि प्यार सिर्फ देखने की चीज़ नहीं, बल्कि समझने की भी ज़रूरत होती है। जंग के ख़त्म होने के बाद नीनो वापस आता है। वो मेलेना को फिर से अपनाने के लिए तैयार होता है, बिना उसके पास्ट को जज किए। गांव के लोग जो पहले मेलेना को जज कर रहे थे, अब नीनो के वापस आने पर उसे इज्जत देने लगते हैं। सोसाइटी का नज़रिया तभी बदलता है जब एक मर्द उसके साथ खड़ा होता है। मेलेना को फिर से अपनी ज़िंदगी बनानी पड़ती है, लेकिन उसका इमोशनल ट्रॉमा और तकलीफ अब भी उसके साथ है। रेनाटो को अब मेलेना की असली स्ट्रेंथ और उसके स्ट्रगल समझ आते हैं। उसके लिए मेलेना अब सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि एक ऐसी औरत है जिसे हर पल अपने एक्सिस्टेंस के लिए लड़ना पड़ता है। रेनाटो अपने फैंटेसीज से बाहर आता है और मेलेना को एक इज्जत के साथ देखने लगता है। उसका प्यार एक मैच्योर अंडरस्टैंडिंग में बदल जाता है और उसके लिए यह एक इमोशनल क्लोजर होता है। मेलेना एक ऐसी कहानी है जो ब्यूटी, लॉस और स्ट्रेंथ को एक्सप्लोर करती है। मेलेना एक खूबसूरत औरत होने के बावजूद अपने स्ट्रगल्स के लिए लड़ती है, और रेनाटो के लिए ये एक जर्नी है जिसमें वो बचपने के इनोसेंस से निकलकर मैच्योरिटी और समझ तक पहुंचता है।